नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। ग्रेटर नोएडा में दबंगई की घटना आए दिन देखने को मिल रही है। आए दिन मारपीट की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सोसाइटीज में सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर की दबंगई बढ़ती जा रही है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा से एक और मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी में मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स ने एक डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई कर दी। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, ध्यान से देखिए किस तरीके से एक डिलीवरी बॉय की निर्मम तरीके से पिटाई की जा रही है। इन दबंगों की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी। जब इन्हें रोकने के लिए एक रेजिडेंट वहां पहुंचा तो उसे भी बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया, लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। दरअसल रेजिडेंट ने एओए पर अवैध मेंटेनेंस लेने का और मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि अवैध मेंटेनेंस ना देने पर रविवार रात को रेजिडेंट के ब्लैंकेट डिलीवरी बॉय को रोका गया था, जिसके बाद जब वो रेजिडेंट ने रोकने का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई की बात कही गई है। इस घटना के बाद से सोसाइटी के रेसिडेंट्स में आक्रोश देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।